हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल डब्ल्यू बी सॉल्यूशंस। ओके, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था चैप्टर 11 एंड एक्सरसाइज 11.1। क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू मैंने आपको पूरा हाउ टू राइट द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब सर्कम सर्कल बनाने का तरीका कैसे है, ठीक है, वो मैंने बता दिया था विद रिटन, ठीक है, रिटन फॉर्म में। साथ में ही कंस्ट्रक्ट करके भी दिखाया था, ठीक है, सर्कम सर्कल। आज हम क्या करेंगे, आज हम इसी पार्ट का एक्सरसाइज 11.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। मेरे पास बुक जो है वो थोड़ा सा फट सा गया है, तो मैं उसको कैमरे के सामने नहीं ला रही हूँ। मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या है, एन आइसोसेलस ट्रायंगल हुज लेंथ ऑफ द बेस इज 5.22 सेंटीमीटर एंड इक्वल साइड्स आर 7 सेंटीमीटर ईच। तो इससे हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में ये जो 1 लिखा हुआ है इसी में दे दिया है कि हमें इसके हेल्प से सर्कम सर्कल ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले ट्रायंगल का जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है इससे हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। और अगर इसमें स्टेप्स लिखने के लिए आए एग्जाम में, तो स्टेप्स मैंने पहले वाली वीडियो में बता दिया है, इसलिए मैं स्टेप्स फॉलो मतलब पूरा लिख के नहीं बता रही हूँ। तो चलो फटाफट कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करते हैं, कैसे इसको कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, तो रूलर मैंने ले लिया है और हमें बेस कितना चाहिए, 5.2। तो 5.2 हम नीचे की तरफ ले लेंगे, ठीक है। ये रहा 0 और 5, ये रहा 1 2 यहाँ, ठीक है। तो ये हो गया 5, 5 सेंटीमीटर हमने यहाँ पे खींच लिया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ नहीं है कि इसका नाम क्या देना है, बट आप नाम कुछ भी दे सकते हो। चलो मैंने यहाँ पे PQ दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर साइड्स का इक्वल साइड्स का लेंथ होना चाहिए। आइसोसेलस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। तो इक्वल साइड्स को हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइड में हम यहाँ पे एक वो लगा देंगे, ये 0 यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको मिला देंगे, ये कितना है 7 सेंटीमीटर। अब इस 7 सेंटीमीटर को हमें क्या करना है, कंपास में फिल कर लेना है। यही तरीका होता है, इससे आप बनाएंगे तो सही से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कंपास में फिल कर लेना है, ठीक है। मेक श्योर कि आपका जो ये है बहुत शार्प होना चाहिए, तभी आपका रीडिंग भी सही आएगा। अब यहाँ रख के इसको, अच्छा ये मैंने बहुत ही इधर कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा रिप्लेस कर देती हूँ पहले। तो अब क्यू पे मैं रख रही हूँ, ठीक है, क्यू पे मैंने जो ये फिल किया था इसको हमने क्यू पे रखा, और यहाँ रख के हमें ये तो ट्रायंगल बनाना है, और यहाँ रख के इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमें कट पॉइंट मिल गया। अब इस कट पॉइंट को क्या करना है, मिला देना है पी एंड क्यू से, ठीक है। इस तरीके से मिला देना है इसको, ठीक है। तो ये हमारा क्या मिल गया, आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया। अब आइसोसेलस ट्रायंगल बन गया, अब हमें करना क्या है, टू साइड्स को इक्वली क्या करना है, हमें बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजित करना है, ठीक है, बाइसेक्ट करना है। तो कोई एक साइड को आधा से अधिक फिल कर लेना है, ठीक है, और यहाँ कट करो, यहाँ कट करो, उसके बाद यहाँ पी पे रखेंगे और इस तरह कट लगाएंगे, ठीक है। अब इस कट को कोई भी दो साइड ले लेना है, ये आपकी मर्जी है। अब इसे हम क्या करेंगे, मिला लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। उसी तरह दूसरे साइड को भी हम क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे। ये आधा है, थोड़ा सा अधिक ले लो यहाँ, सॉरी ये स्लिप कर गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। अब इस साइड में भी हम यहाँ रख लेंगे, यहाँ पे, ठीक है, ओके। और इस साइड से भी इधर ले लेंगे और यहाँ से फिर इधर ले लेंगे, ठीक है। यहाँ दो, इस दोनों कट पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन कर लेना है। तो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा ये जो पॉइंट मिला, ये क्या है, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें सेंटर मिल गया है, अब हमें रेडियस बनाना है। तो रेडियस के लिए हम क्या करेंगे, इसकी किसी एक वर्टेक्स के साथ मिला देंगे। तो आप, मैं यहाँ पे क्यू के साथ मिला रही हूँ, बहुत लोग सुंदर दिखने के लिए तीनों मिला देते हैं, बट वो इसेंशियल नहीं है, जो जरूरी नहीं है उसे ना करें, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इससे इसको हम मिला देंगे,
नाम देना मैं भूल रही हूँ, नाम दे दो। यहाँ पे ओ दे दिया हमने, यहाँ पे पी क्यू आर, ठीक है। अब ये हमें मिल गया जो मैंने फिल किया, ये रेडियस हमें यहाँ पे मिल गया। अब इस रेडियस को पूरा सर्कल ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा क्या, सर्कम सर्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है, सर्कम सर्कल ड्रॉ करना, ठीक है, इस तरीके से। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि एक राइट एंगल एक समकोण त्रिभुज हमें बनाना है, हैविंग साइड 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर, दो साइड दे दिए हैं कंटेनिंग राइट एंगल। ऑब्वियसली जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें राइट एंगल होगा ही होगा, तो हमें कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए थ्री इसेंशियल चीज़ें चाहिए होती है, ठीक है, थ्री इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। दो तो साइड्स होने चाहिए एक एंगल, या फिर तीनों साइड्स होने चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो साइड है और एक एंगल है। तो चलो फटाफट पहले तो हम ट्रायंगल ड्रा कर लेते हैं। ओके, तो 4 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर मैंने यहाँ पे नीचे ले लिया, आपकी मर्जी, आप नीचे लो, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे बेस कंप्लीट कर लिया है, खींच लिया 8 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना, राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल बनाना होगा। यहाँ हम राइट एंगल बना लेते हैं एक, ठीक है। राइट एंगल बनाना आप लोगों ने सबने सीख रखा है पहले ही छोटे क्लासेस में, ठीक है। इस तरह एक आर्क ले लेते हैं किसी भी माप का, उसको बिना हिलाए हुए बाकी के ऑपरेशंस करते हैं। जीरो पे रखेंगे, मिला हमें 60, फिर 60 पे रखा हमने, मिला हमें 120, 120 मिला। उसके बाद यहाँ रखेंगे और ये 120 पे रखा, ठीक है। अब जो ये कट पॉइंट मिला, इसे हम जीरो के साथ मिलाएंगे तो हमारा ये 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, ठीक है, सॉरी। तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब हमें क्या, 4 सेंटीमीटर लेना है। अब इस 4 सेंटीमीटर को इधर नहीं, कहीं नहीं ले सकते हैं, हम इधर ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास एक यहाँ पे साइड मिल चुका है। तो अब हम इसे ले लेते हैं, 4 सेंटीमीटर को कंपास में फिल कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, हमने फिल कर लिया। अब यहाँ पे रख के यहाँ कट लगा देंगे, 4 सेंटीमीटर में यहाँ मिल गया। अब इस जो कट पॉइंट है, इसे हम इसको मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना ट्रायंगल, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें सर्कम सर्कल ड्रॉ कर लेना है, तो आप ड्रॉ कर लो। दो साइड्स को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है, समद्विभाजित करना है। तो ये हमारा पहला साइड, ये आधा से अधिक फिल कर लेना होता है, यहाँ पे कट लगाया, यहाँ पे, फिर यहाँ रख के इधर और इधर, ठीक है, इसे मिला देंगे। सब में एक ही प्रोसेस है, एक दो क्वेश्चन मैं स्किप भी कर दूँ, आप लोग खुद कर लेना उसको, ठीक है। इस तरीके से बेस को हमने कर लिया। अब कोई एक साइड ले लेते हैं, ये वाली साइड ले लेते हैं, आधा से अधिक है, ये इधर, ये इधर, फिर यहाँ रख के, सॉरी यहाँ है ना, यहाँ रखना है, यहाँ रख के यहाँ, और ये यहाँ मिल रहा है, तो इसे थोड़ा सा इधर खींचना होगा ये, ठीक है। तो बीच का जो पॉइंट है इसे आप मिटा दो, ठीक है। अब इसे हमें मिला देना है, मेरी रीडिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है क्योंकि यहाँ पे मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पॉइंट मिला, ये हमें यहाँ मिला है, यहाँ पे, तो ये हमें क्या मिल गया, सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी सेंटर ऑफ द सर्कल को हमें क्या करना है, वर्टेक्स के साथ मिला देना है, किसी भी वर्टेक्स के साथ मिला दो आप। तो ये हम यहाँ से मिला लेते हैं, ये हमारा क्या मिल गया, रेडियस, ये क्या हो गया, रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम दे दो, MNP, यहाँ O दे दिया आपने, ठीक है। अब इस रेडियस को कंपास में फिल कर लेंगे, सर्कम रेडियस मिल गया, सर्कम सेंटर मिल गया। तो अब यहां से हमें एक ऐसे घुमा के सर्कल ड्रॉ कर लेना है, परिवृत्त ड्रॉ कर लेना है। तो ये हो गया हमारा क्या, परिवृत्त, ठीक है। इस तरीके से हमने राइट एंगल ट्रायंगल का भी परिवृत्त कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस वगैरह दे दिया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, हाइपोटेनस दिया है, लेंथ दिया है, उसके जो इन्फॉर्मेशन है उससे हमें बनाना है। तो वो मैं स्किप कर देती हूँ क्योंकि बहुत ईजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ।
अब इसके बाद फिफ्थ नंबर जो क्वेश्चन है उसमें दो एंगल्स दिए हुए हैं जिसको आप चांदा की सहायता या डी की हेल्प से उसको दो एंगल दिया है और एक साइड दिया है, तो वहाँ ट्रायंगल ड्रॉ कर लेना और इस तरीके से परिवृत्त बना लेना है, ठीक है। तो वो हो गया इनका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। उसके बाद है आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन में, सिक्स नंबर क्वेश्चन में ए बी सी एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें बी सी 5 सेंटीमीटर, ए बी सी 100 डिग्री एंड ए बी 4। सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं, ट्रायंगल बनाना है, परिवृत्त ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, और इंपॉर्टेंट भी है तो आप कर सकते हो क्योंकि बहुत ही ईजी है, इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, तो आप इजिली वहाँ से परिवृत्त ड्रॉ कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मैं, दो नंबर क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आऊंगी। ये 1 के सारे पार्ट्स थे, तो हमने सीख लिया कैसे परिवृत्त ड्रॉ करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जब करेंगे तो अब बाकी सारी जो जो भी रह गई हैं वो भी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप वॉचिंग एंड प्लीज शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि हमें आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अभी हम जस्ट स्टार्ट हुए हैं, आपके सपोर्ट, आपकी हेल्प, जैसे हम आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको भी हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। ओके, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप वॉचिंग।